हे गाइस, मैं सोनू। दोस्तों, दादर नगर हवेली दमन दीव में दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आई है। दोस्तों, ये हमारी दमन दीव स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ये हमारी गवर्निंग बॉडी है, इन्होंने वैकेंसी जारी की है। दोस्तों, इसके अंदर है ना एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके इतने डेट के हिसाब से आपको यहाँ पे नीचे मेंशन करनी है। आपको नेम ऑफ पोस्ट में चीफ जनरल मैनेजर CGM का दोस्तों 30 to 45 ईयर्स होना चाहिए। 1,08,000 पर मंथ सैलरी रहेगी। और दोस्तों, इसके अलाउंसेस के बाद में आपको टोटल ग्रॉस सैलरी 1,71,345 है। क्वालिफिकेशन ये मांगी हुई है, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये सेकंड वाला भी कंपलसरी है, मैडेटरी है। और ये दोस्तों, ये एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए 5 साल का, और मिडल और सीनियर लेवल इन द बैंकिंग सेक्टर। और स्किल, एक्सपेक्टेड स्किल भी है आपके पास होना चाहिए, और आपके पास नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक्सलेंट राइटिंग, स्पीकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती होना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद पे एंड अलाउंसेस आपके दिए हुए हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे। और दोस्तों, यहाँ पे है ना ट्रेवलिंग अलाउंसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है अलाउंसेस। और यहाँ पे आपको जनरल टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है कि आपको दोस्तों कब कैसा कैसा काम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। आपको गलत मतलब कोई भी इंडिसी डिसिप्लिन इश्यू होगा तो ऐसा नॉन सेटिस्फैक्ट्री सर्विस रहेगी, तो बाकी ये सब देख लीजिएगा। दोस्तों, जॉब प्रोफाइल एंड आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, आपको कैसे कैसे काम करनी है, मैनेजमेंट संभालनी है, और आपको दोस्तों कैसा काम करनी है, कंट्रोलिंग, रेगुलेशन, कंप्लीशन, विजिलेंस, IT एंड साइबर सिक्योरिटी, फॉर्मेशन और मेंटेनेंस आपको, और बैंक का और फाइनल अकाउंट और ऑडिट इंस्पेक्शन भी आपको देखना है, और बाकी ये सब भी देखना है। दोस्तों, आपको आपको जॉब का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे मेंशन की हुई है। सिलेक्शन प्रोसीजर में दोस्तों आपको है ना ये दिया हुआ है, आपको एलिजिबल कैंडिडेट के लिए फाइनल पर शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को इंटरेक्शन के लिए बाद में वो लोग बुलाएंगे। दोस्तों, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन में दोस्तों आपको नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको यहाँ पे बाय पोस्ट बाय हैंड आपको फॉर्म भर के आपको सबमिट करनी है दिए गए टाइम से पहले। नहीं था दिए गए टाइम से पहले आपको दोस्तों यहाँ पे ये बाय पोस्ट बाय हैंड आपको फॉर्म यहाँ पे भेजनी है, नहीं तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। दोस्तों, आपको जो भी क्वेरी रहेगी ना आप फ़ोन लगा के यहाँ पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे मेंशन की हुई है, आपको मैं बता दूंगा नंबर, हेल्पलाइन नंबर भी है इसका। ईमेल पे आप ईमेल देख लीजिए। और दोस्तों, यहाँ पे वेबसाइट है, आपको यहाँ पे फॉर्म मिल जाएगी। दोस्तों, जनरल इंस्ट्रक्शन में क्या है, यहाँ पे आपको कैसा कैसा फॉर्म भरनी है, और आपको कैसा कैसा यहाँ पे कैंडिडेट को आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे कैसा कैसा। दोस्तों, आपको है ना यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे कैसे वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट, तो वो आपको क्राइटेरिया दी हुई है। और आपको दोस्तों यहाँ पे है ना मैनेजमेंट कैसा कैसा आपको दोस्तों एक्शन लेगा वो सब दिया हुआ है। और दोस्तों, एडवर्टाइजमेंट है, आप देख सकते हो यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और दोस्तों, आपको है ना फिजिकल मोड में दिया हुआ है, आपको मतलब कि वो लोग इंटरव्यू लेंगे। और आपको दोस्तों यहाँ पे आपको ये आपका यहाँ पे आपको फॉर्म भरनी है। दोस्तों, इसके अंदर है ना आपको है ना फ़ोटो लगानी है, और आपको यहाँ पे डेट लिखना है, और दोस्तों आपका नाम ब्लॉक लेटर में, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका एज क्या है इस तारीख को गूगल से कैलकुलेट करके लिखनी है, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, नेशनलिटी, बर्थ प्लेस, नेटिव प्लेस, रिलीजन। दोस्तों, इसके बाद है ना कैटेगरी क्या है आपकी, वो डोमिसाइल क्या है, मास्टर स्टेटस क्या है, फादर, हस्बैंड नेम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर बतानी है आपके पास क्या क्या आपने क्वालिफाइड किया है। दोस्तों, इसके बाद है ना यहाँ पे कैपिटल लेटर क्या, सॉरी, कॉपीज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आर टू बी अटेस्टेड, आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ अटैच करनी है। और दोस्तों, इसके बाद है ना ये डॉक्यूमेंट अटैच भी करनी है आपको। दोस्तों, रिटायर VRS सुपरेन्यूएशन, जो आप रिटायर वो सब वो लिखिए, डेट ऑफ रिटायरमेंट, टोटल एक्सपीरियंस क्या है, और दोस्तों आपके पास स्पेसिफिक एक्सपीरियंस क्या थी वो, डिटेल ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयमेंट, ऑर्गेनाइजेशन क्या था, एड्रेस क्या है, पोजिशन क्या थी जिस समय आप काम कर रहे थे, रिपोर्टिंग टू क्या थे, सैलरी क्या है, रूरल और सेमी कहाँ पे आप काम थे वो। दोस्तों, आपको दोस्तों यहाँ पे आपके वो दोस्तों यहाँ पे आपको डिटेल लिखनी है, यहाँ पे जो भी है आप डिटेल लिख के अटैच कीजिए।
और आपके अचीवमेंट क्या थी, आपकी जो वहाँ पे काम कर रहे थे उसका एक्सपीरियंस का लिख करके अटैच करिए। और लिख करके दोस्तों इसके बाद है ना, दोस्तों इसके बाद डिक्लेरेशन है, कोई भी डिविडेंड होगा आपको फॉर्म तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और आपका दोस्तों ये यहाँ पे आपको साइन करनी है, प्लेस क्या है, आप जिस समय आप कहाँ से फॉर्म भर रहे हो, और ये आपका दोस्तों जिस समय डेट, और दोस्तों आपको ये दिए गए सभी चीज़ अटैच करनी है ताकि आपकी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि नीचे दिए गए फॉर्म भर के आपको यहाँ पे दिए गए टाइम से पहले आपको फॉर्म भरनी, नहीं तो आपको फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। तो दोस्तों इसका कब कहाँ फिजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा और रिटर्न टेस्ट होगा, सब मैं ही अपडेट देता हूँ। तो आपको दोस्तों चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सभी अपडेट इसका सही समय पे आपको मिल जाए। दोस्तों थैंक यू।